जय हिंद टू एवरीवन। आप सभी का मेजर कल्सी परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं अभिषेक द्विवेदी आप सभी का मेजर कल्सी परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम क्यों यहां पे आए हैं, आप सबके लिए आपकी सबकी डिमांड थी कि एनडीए के जो आगामी एग्ज़ाम्स हैं उनको कैसे बेहतर से बेहतर किया जाए, उसमें अपने सब्जेक्ट को और कैसे बेहतर किया जाए। हिस्ट्री पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं सारे यहाँ पे क्लियर होंगे और कैसे मैक्सिमम स्कोर किए जाएं ये सारी स्ट्रेटजी मैं डिस्कस करूंगा। किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है, कैसे किस टॉपिक के साथ आपको टैकल करना है, किन किन टॉपिक्स को आप स्किप कर सकते हो, किन को नहीं कर सकते हो, ये सारी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। कितना आपको मिनिमम पढ़ना है कि जिससे आप एक बेहतर रिजल्ट कर पाओ, एक बेहतर स्कोर कर पाओ, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये 5-10 मिनट का जो वीडियो होगा ये आपके जीवन में एक बेहतर आगामी दशा और दिशा लेकर के आएगा। तो ठीक है, उसके लिए एक छोटी सी लाइन है, उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती और ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीतने की जिद हो तो हार भी हरा नहीं सकती। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये मोटिवेशनल लाइन है और इसी के साथ शुरुआत करते हैं अपने कारवां की। तो चलिए, हमारे पास जो स्ट्रेटजी है हिस्ट्री पॉलिटी को लेकर के, उस स्ट्रेटजी को समझेंगे एक बहुत ही बेहतर पॉइंट से और किस तरीके से एक बेहतर स्कोर हम कर सकते हैं उसको देखते हैं। यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे इतनी मेहनत की गई है कि आप समझ पा रहे होंगे कि 2022 अगर 2023 में हम पेपर देने जा रहे हैं तो ऑड इवन का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, 2021 और 2019 को फोकस करेंगे आप बेसिकली, और 2022 तो आपके लिए बेस ईयर है ही है, और इन चीज़ों पे अगर काम कर लेंगे बेटा तो आगामी एग्ज़ाम आपका बेहतर है जाएगा, ये गारंटेड देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ को ध्यान रखना मेरे, मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखना जो चीज़ें ट्रेंड में रहें, जो चीज़ें ट्रेंड्स में रहें और जो चीज़ें करंट में रहें वही आपके हिस्ट्री और पॉलिटी का क्वेश्चन होगा। ये अपने दिमाग में फोकस कर लेना कि अगर ये टॉपिक हिस्ट्री में आ रहा है तो इस वर्ष क्यों आएगा और क्या इसके रिजल्टेंट रहे हैं। अगर इन चीज़ों को, मैं फिर से कह रहा हूँ, ट्रेंडिंग टॉपिक जो रहे पूरे साल भर, 6 महीने भर, हालांकि मैं तो आपको एक सजेशन दूंगा अक्टूबर से फरवरी तक का करंट आपको पता हो, और जो चीज़ें ट्रेंड में रहेंगी करंट में रहेंगी वही हिस्ट्री पॉलिटी में आपके क्वेश्चन बनेंगे। इतिहास से जुड़ा हुआ कोई पहलू, इंटरनेशनल ईशू की कोई घटना, सपोज करिए मंगोलिया ने बुद्ध पूर्णिमा मनाई तो भगवान गौतम बुद्ध से संबंधित 22 में से 4 अवशेष मंगोलिया गए, तो अब आपके लिए बुद्धिज्म इंपॉर्टेंट हो सकता है, मौर्यन एम्पायर इंपॉर्टेंट हो सकता है, वी हैव टू फोकस ऑन इट, हमें पढ़ना ही होगा। दूसरी चीज़, करंट में कोई चीज़ ट्रेंड में है, हमारा जो है इतिहास, पुराना इतिहास भी देखेंगे तो मंगोलिया और चाइना, अगर हम IBC की भी बात करेंगे तो हमारे मेसोपोटामिया की जो सभ्यता का है उस पर प्रभाव पड़ा, IBC पे प्रभाव पड़ा, तो अगर कोई ऐसी घटना होती, राखी गढ़ी की खोज हो रही है तो राखी गढ़ी से आना क्वेश्चन लाजमी है, कोई ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट राखी गढ़ी से आए, कालीबंगा से भी आ सकता है, धौलावीरा से भी आ सकता है, लेकिन हाँ वो टॉपिक आपके लिए रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ से हमको फोकस करना ही होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब एक एक चीज़ को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे हम मैक्सिमम स्कोर कर पाए। मैं ये कह रहा हूं तुमसे, मेरी एक स्ट्रेटजी फॉलो करो 2021 और 2019 में। एक चीज देखो कि 2019 और 2021 में वो ईयर्स में वो टॉपिक्स जरूर आए हैं जो 2019 में आए, ऐसे ही आप देखोगे 2017 और 19 में तो आपको चीज़ें, एक प्रैक्टिकल वैल्यू अगर मैं बताता हूं तो आपको कंफर्म होगी। अब ध्यान से देखना, हम आपको बताते चल रहे हैं, देखते जाइएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन अभी ट्रेंड में है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना ही है,
और यहाँ पे क्यों क्यों पढ़ना है इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए 2021 के बाद 2022 में आया और फिर इसके बाद गैप था 2018-17 में आया था, क्योंकि चीज़ें ट्रेंड में आई तो पूछ लिया, तो पूछेगा ही। तो आईवीसी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ना ही है। इसके साथ साथ अब आगे हम चलते हैं तो देखो वैदिक पीरियड 2022 में नहीं आया, 21 में 23 में नहीं आया, तो हाँ थोड़ी सी चांसेस हैं, प्रॉबिलिटी है, पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यही सेकेंड अर्बनाइजेशन के साथ है, कोई दिक्कत नहीं। राइज ऑफ मगध के भी साथ यही है। हाँ मौर्यन एम्पायर क्यों, क्योंकि ट्रेंड में चीज़ें अगर रहेंगी, कोई हमारे अशोक से संबंधित कोई बातें या हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह से संबंधित कोई बातें ट्रेंड में होगी तो ये टॉपिक आपको पढ़ना होगा, मौर्यन एम्पायर इंपॉर्टेंट है। हम इन पे क्वेश्चंस को भी अगर देखना चाहें तो बेटा हम यहाँ पे क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं, जैसे कि आईवीसी की मैंने बात करी तो बेटा आईवीसी का क्वेश्चन देख लो क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो इस बार आईवीसी का 2022 में एक क्वेश्चन आया था, हालांकि राखीगढ़ी ट्रेंड में साइट में थी लेकिन पूछ कहां से लिया, कालीबंगा। एट विच अमंग द फॉलोइंग हरप्पन साइट्स आर द फायर अल्टर्स फाउंड, फायर अल्टर्स का मतलब अग्निवेदिकाएं कहां से मिली, तो बेटा कहां से मिली थी, हम बात करेंगे कालीबंगा से, तो ए विल बी द राइट आंसर। अब दूसरा अगर हम प्रश्न देखें तो बेटा आप देख पाओगे कि यहां पे आप देख पाओगे मौर्यन एम्पायर का क्वेश्चन है ये, और जो मौर्यन एम्पायर क्यों ट्रेंड में था, क्योंकि आप सबको पता है नया सेंट्रल प्रिस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत नए हमारे राष्ट्रीय चिन्ह का अनावरण किया गया इस पार्लियामेंट्री सरकमफ्रेंस के अंतर्गत, तो वो ट्रेंड में था क्योंकि लोगों ने कहा कि ये अब नया शेर है हमारा, जो अब अपकमिंग सेशन चल रहा है नई जनरेशन का शेर है, पहले के हमारे शेर जो होते थे शांत रहते थे, अब के शेर मतलब कि अगर मतलब उत्तेजित अवस्था में दिखाए गए, जो शेर दिखाए गए उनके ओपन माउथ दिखाए गए, तो काफ़ी चीज़ें ट्रेंड में थी, तो वहाँ से क्वेश्चन आया मौर्यन एम्पायर का, ये देखिए अशोका से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया। तो कोई भी चीज़ आपको इतिहास परंपरागत तरीके से न पढ़ करके अब नए इनोवेटिव और नए नज़रिए से पढ़ना, ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो इसकी क्या रिलेवेंसी है, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा पूरे भारतीय इतिहास पे और वर्तमान क्या एस्पेक्ट है, अगर ऐसा आप जोड़ लेंगे तो आप बहुत बेहतर स्कोर करेंगे। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बना आपका, अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये गुप्ता एम्पायर से बना क्वेश्चन। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, एंशियंट हिस्ट्री में क्या और मिडिवल मॉडर्न में क्या फोकस करना है, मेरी बातों को समझना मेरे प्यारे बच्चों, एंशियंट हिस्ट्री में क्या फोकस करना है, एंशियंट हिस्ट्री में ध्यान रखना बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात, डेट्स आपको नहीं रिकॉल करनी, बहुत फिर से बता रहा हूँ, डेट्स को बहुत फोकस नहीं करना है, यूपीएससी नहीं जानना चाहता कि कौन सा राजा कब मरा कब पैदा हुआ, देयर इज नो नीड टू बी, बट क्या है सीक्वेंस ऑफ डायनेस्टीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके बाद कौन सी डायनेस्टी आई, ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नोट करते जाओ सीक्वेंस ऑफ डायनेस्टीज, उसके साथ साथ डायनेस्टी के फाउंडर्स आपको पता हो बेटा, फाउंडर्स का मतलब इसके संस्थापक, और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात इंस्क्रिप्शंस, चाहे सोहगौरा अभिलेख हो, चाहे वो महास्थान अभिलेख हो, चाहे एरन अभिलेख हो, चाहे अभिलेख का मतलब ये होता है कि जो हमारी घटनाएं बीती उनसे संबंधित इतिहास में क्या प्रभाव पड़े, उन चीज़ों को पढ़ना होगा बेटा। फिर इसके बाद फॉरेन ट्रेवलर्स, जो विदेशी हमारे यहाँ यात्री आए उनके बारे में, ट्रेवलर्स के बारे में, और इसके साथ साथ उनकी बुक्स के बारे में, किसके बारे में, बुक्स के बारे में, यात्री विदेशी विदेश के जो यात्री हैं उनके बारे में, किताबों के बारे में हमको आपको बहुत बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, सीक्वेंस ऑफ डायनेस्टीज, डायनेस्टीज फाउंडर, इंस्क्रिप्शंस, फॉरेन ट्रेवलर्स, बुक्स ना, ये अगर चार चीज़ें एंशियंट हिस्ट्री में फोकस कर लिए गारंटी देता हूँ अगर इससे एक भी प्रश्न बाहर चला जाए, और किसी साल का 2017 से पेपर उठा लो 2022 तक, अगर इनसे बाहर चला जाए सीक्वेंस ऑफ डायनेस्टीज से क्वेश्चन, डायनेस्टी के फाउंडर पूछा होगा या इंस्क्रिप्शन पूछेगा या तो फॉरेन ट्रेवलर्स, किसके दरबार में कौन आया, कौन सी किताब लिखी या मेंशन, इस बार भी आया था मिडिवल हिस्ट्री में इब्न बतूता ने कौन सी बुक लिखी और किसके बारे में बताया है, किसकी गुप्तचर व्यवस्थाओं के बारे में ना,
ये क्वेश्चन आया था ना इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में आया, रेहला सफरनामा बुक लिखी, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसे मिलेंगे आपको। तो एंशियंट हिस्ट्री में इस बात को जो बच्चा फोकस करेगा बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। और आपको बता दें एंशियंट हिस्ट्री की अगर एवरेज की बात करेंगे तो एवरेज क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन एंशियंट से, और मिडवल से अगर मैं बात करता हूँ बेटा तो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से, और मॉडर्न से तो आप जानते हैं कि मॉडर्न से अगर हम बात करें तो 6 क्वेश्चन, 6 2 8 2 10, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन का एवरेज लेकर के चलें आप कहाँ से, हिस्ट्री में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन। अब बेटा आगे आगे अगर हम बात करते हैं तो अपने आइए फिर से अगेन क्वेश्चंस आपने देख ही लिए, फिर आपको बता दूं यहाँ पे बेटा अब यहाँ तक समझ लिए। और अगर आपने फोकस करना है तो आप गुप्ता अंपायर को फोकस करिएगा, मौर्यन अंपायर को फोकस करिए, बहुत बेहतर तरीके से IBC को ना। फिर इसके बाद आपको बता दें मेजर रूलिंग डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया, इनसे ईच एंड एवरी ईयर आने की संभावना है, और डायरेक्ट नहीं आता क्वेश्चन तो इनडायरेक्ट आ जाता है। तो ये देखो 1 2 3 4 टॉपिक अगर बेहतर हो गया अपना तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। इन चारों को पढ़ना, पढ़ने तो सब है लेकिन इन चारों को फोकस करना है स्पेशली 2023 NDA के माध्यम के तौर पर। अब बेटा आगे चलते हैं हम लोग, देखो मिडिल हिस्ट्री में कुछ नहीं करना है, मिडिल हिस्ट्री में आपको 2 चीज फोकस करना है, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन एंड पॉलिसी नीति। अगर ये आप पढ़ डालोगे आपको बिल्कुल बेटा दिक्कत नहीं होगी, किसने कौन सी नीति चलाई, कौन सी पॉलिसी, और आल्सो किसके टाइम पीरियड में कौन सा ट्रेवलर आया मिडिल हिस्ट्री में। अगर इतना फोकस है तो तुमको बहुत ज़्यादा हाच पाच परेशान होने की जरूरत नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी नीतियाँ, चाहे रिलीजियस पॉलिसीज हो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हो, पॉलिसीज बहुत पूछता है मिडिल से, और ट्रेवलर्स, और बुक्स कभी कभी बुक्स भी आ जाता है दिल्ली सल्तनत से, मुगल एम्पायर से रिलेटेड, तो बुक्स फोकस कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे की ओर मूव ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है, विजयनगर साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा, एच ईयर के गैप के बाद दूसरे ईयर में आ जाता है, और फिर मुगल अंपायर, ये 3 टॉपिक आपको यहां से फोकस करने होंगे। चलिए आगे की ओर चलते हैं। यहां पे बेटा कुछ भी छोड़ने या कुछ भी पकड़ने से संबंधित अगर मैं बात बताऊं तो आपको कुछ टॉपिक्स मैं बता दे रहा हूं, ईच एंड एवरी ईयर आ रहे हैं, ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, और कास्ट एंड ट्राइबल फार्मर लेबर मूवमेंट्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। दीज आर द टॉपिक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, आपको पढ़ना ही है ईच एंड एवरी ईयर की अगर मैं बात करता हूँ तो इनको फोकस करना है। इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस गवर्नर जनरल किस चीज़ को बैन किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और फ्रीडम इंडिया स्ट्रगल ये, और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पॉलिटी में आप पढ़ लीजिए कोई दिक्कत नहीं, और मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री में, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री में बेटा आपको मैं बता देना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या करिए आप, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री में आप क्या करिए ना, इन्वेंशंस पढ़ डालिए, किसके समय में कौन सा इन्वेंशन हुआ और रिवोल्यूशन हुआ, रिवोल्यूशन इन्वेंशन एंड रिवोल्यूशन, क्रांति पढ़ डालिए किस देश में किस वजह से हुई और क्या डिस्कवरीज हुई ना, और औद्योगिक क्रांति जैसे ब्रिटेन में पहले हुई, तो इस तरीके की चीज़ें अगर आप पढ़ लेंगे, वाटर फ्रेम मशीन का आविष्कार किसने किया, फ्लाइंग शटल का, तो ये अगर क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। ये रहा हिस्ट्री, अब आइए हम पॉलिटी की बात करते हैं। आप सर्वविदित आपको बता दूं, इंडियन फ्यूचर सोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, DPSP, यूनियन एग्जीक्यूटिव, अगर इन टॉपिक्स को प्रियम्बल ईच एंड एवरी ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल राइट मोस्ट इंपॉर्टेंट, DPSP मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 3 टॉपिक इधर फोकस कर लिए, इधर जुडिशरी आप कर लीजिए, इधर बेटा अगर आप जुडिशरी थोड़ा सा फोकस कर लिए, कौन सा टॉपिक अगर मैं बात करूं तो जुडिशरी फोकस कर लीजिए, पंचायती राज सिस्टम अगर इतना फोकस कर लिए आप बेटा तो आपको यूनियन लेजिस्लेचर इसके साथ दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है ना। और स्ट्रेटजी यही है, एक रामबाण है, जिन जिन टॉपिक्स मैंने टिक किए हैं इन इन टॉपिक्स का वीडियोस भी मैराथन क्लासेस में मैं पढ़ा चुका हूं, आप देख सकते हैं
डिजिटल सिक्योर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो बेटा अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है, अपडेट चाहते हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ये सेशन कैसा लगा जरूर बताएं, जिससे कि आपके लिए आगे मैं कुछ आगे परफॉर्म कर पाऊँ, वर्क कर पाऊँ बेहतरी के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।